ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। करगिल विजय के 20 बच्छर पूरा होय मा आज देशभर मा कतकोन समारोह होवत हे। 1999 मा करगिल के पहाड़ी ला पाकिस्तान के कब्जा ले छुड़ाए बर चलाए गए अभियान ला ऑपरेशन विजय नाव दे के रही। ये बच्छर समारोह के विषय है नव चेतना, नव हर्ष और नव निर्माण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर के बादामी बाग मा थल सेना के कोर मुख्यालय मा शहीद मन ला श्रद्धांजलि दीन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ह करगिल विजय दिवस मा अपन ट्वीट संदेश मा करगिल युद्ध और ऑपरेशन विजय के जम्मू सैनिक मन ला नमन करीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह करगिल विजय दिवस मा मातृभूमि के रक्षा करत भारतीय सेना के शहीद हुए जवान मन ला श्रद्धांजलि देवत कहिन कि ये दिन सैनिक मन के साहस, वीरता और समर्पण के सुरता देवा थे। प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाए के कामला सरल करे खातिर 5 सदस्यीय समिति के गठन करे गए थे। ये समिति झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगन के जाति प्रमाण पत्र बनाए के काम के अध्ययन करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगुवाई में आज रायपुर में राखी गई राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के बैठक में ये फैसला लेगी। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज प्रकरण के निराकरण के समीक्षा करेगी। गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री और विधायक राम पुकार सिंह वही। बैठक में मुख्यमंत्री हा समिति ला 3 महीना में अपन रिपोर्ट दे के निर्देश देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा परम दिन इतवार के 11 बजे आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन संग अपन विचार साझा करी। प्रधानमंत्री हा एकर बार लोगन मन ले सुझाव मंगाए हैं। एला MyGOV ओपन फोरम में भेजे जा सकत है। सुनैया मन टोल फ्री नंबर 1800117800 में फोन करके प्रधानमंत्री बार हिंदी और अंग्रेजी में अपन संदेश भेज सकत हैं। बीजापुर जिला में आज पुलिस का एक इनामी माओवादी लग गिरफ्तार करे है। खबर के मुताबिक भैरमगढ़ थाना के साप्ताहिक बाजार में जिला पुलिस बल की टीम है घेराबंदी करके ये माओवादी मल्ला पकड़े है। एक ऊपर 3 लाख रुपया के इनाम घोषित रही। उत्तर सुकमा जिला में ये माओवादी दंपति और पुलिस के आगू आत्मसमर्पण करी है। इमा एक माओवादी ऊपर 1 लाख रुपया के इनाम घोषित रही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे के निर्वाचन न देके चुनौती में अवैया सुनवाई 4 सितंबर तय करेगे है। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे लेखराम साहू के याचिका में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। लेखराम के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट है ये मामला में सरोज पांडे ला जवाब पेश करे के आदेश दे है। कांग्रेस के लेखराम साहू आरोप लगाए हैं कि राज्यसभा चुनाव के बेरा 18 अयोग्य विधायक मन मतदान करे रहीन और यही विधायक उखर प्रस्तावक और समर्थन रहीन। संगे संग सरोज पांडे ऊपर अपन घर के पता और बैंक खाता के गलत जानकारी दे के आरोप खलू लगाए गए हैं। केंद्र सरकार है दिव्यांग मन के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय पुरस्कार बछर 2019 पर अर्जी मंगाए है। ये संबंध में राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग, जम्मू विभाग अध्यक्ष और कलेक्टर मल्ला योग्य मनखे मन के आवेदन भर के अवैया 7 अगस्त तक भेजे बर के है। निःशक्तता के क्षेत्र में करे गए नवाचार और बने काम पर ये पुरस्कार योग्य उम्मीदवार विभाग, संस्था, जिला और राज्य ला 14 श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौका में 3 दिसंबर के दे जाही। राष्ट्रीय पुरस्कार पर दिव्यांगता के जम्मू 21 श्रेणी ला शामिल करे गए है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चलत कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़ैया लेका मल्ला स्नातक पाठ्यक्रम में उखर मूल निवास से चलत महाविद्यालय में प्रवेश की सुविधा दिवाई जाही। विशेष पिछड़ी जनजाति में अबुजमाड़िया, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर और बैगा शामिल हैं। और अब सुरकुल समाचार सारमा। प्रदेश में साइबर और विशेष अनुसंधान सेल ला घलो भंग करे जाही। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी है राज्य के जम्मू पुलिस अधीक्षक मल्ला चिट्ठी लिख के अपराध ले जुड़े अनुसंधान शाखा मल्ला तुरते भंग करे बर किहीन है। जसपुर जिला के बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक स्कूल तटकेला में आज सांप के चाबे ले 2 झीन पढ़ैया नोनी मन के मौत हो गई। कोंडागांव जिला में आज पुलिस का एक ट्रक ले 1709 किलो अवैध गांजा जब्त करे है जेकर कीमत करीबन 1.5 करोड़ रुपया बताए जाते। और श्रमिक मन के समस्या ला निपटाए खातिर रायपुर जिला के आरंग में 29 जुलाई ले 3 अगस्त तक शिविर लगाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।